भोपाल में संयुक्त माली सैनी मरार समाज ने युग पुरुष रामजी महाजन की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाजसेवी और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया गया। इसके साथ ही समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ विभिन्न वर्ग की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। भोपाल के महात्मा फुले भवन में संयुक्त माली सैनी मरार समाज ने सम्मान और मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, नवनिर्वाचित नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के साथ छत्तीसगढ़ में कैबिनेट दर्जा प्राप्त शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। माली समाज के अध्यक्ष जीपी माली की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के साथ समाज के पार्षद, जनप्रतिनिधियों और उभरती नई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। खालवा के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य रामचंद्र जी भाटी के साथ समाज से जुड़े पुरुष और महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर समाज के सभी जिलों से आए लोगों ने अपने विचार रखे और समाज को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भोपाल से दखल न्यूज की रिपोर्टर सपना भाटी के योगदान पर हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम को लेकर उपाध्यक्ष गजानन भाटी ने कहा कि आयोजन के जरिए समाज में एकजुटता लाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने सीएम शिवराज से माली समाज को बागवानी बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। वहीं हरदा से आए खालवा के नव निर्वाचित जनपद सदस्य रामचंद्र जी भाटी ने आयोजन की सराहना की और युवाओं से समाज को आगे बढ़ाने के साथ अपनी संस्कृति को महत्व देने की सलाह दी। आज मध्य प्रदेश माली सैनी मरार समाज ने ये निर्णय लिया था कि जो हमारे चुनाव में प्रत्याशी जीते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनका सम्मान किया जाए। जो भी नगर पालिका में पार्षद बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, या जनपद में सदस्य बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं या सरपंच बने हैं, उन सब का सम्मान हो, इसी धारणा से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और सफल भी रहा है। अधिकतर लोग पहुँचे यहाँ पर। यानी हम ये चाहते हैं, मैं समाज को उपाध्यक्ष के नाते संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के हमारे माली सैनी समाज में कई अलग अलग शाखाएँ हैं, कई अलग अलग उपनामों से जानी जाती है। हम उसका एकीकरण चाहते हैं सामाजिक रूप से और दूसरा राजनीतिक रूप से। माली संयुक्त माली समाज के द्वारा संयुक्त माली समाज के अध्यक्ष सैनी साहब, उपाध्यक्ष गजानन भाटी जी द्वारा मध्य प्रदेश के माली समाज से जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनका स्वागत किया है, जिसके लिए हम संयुक्त माली समाज के पूरी टीम के बहुत बहुत आभारी हैं। वहीं आयोजन को लेकर भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आयोजन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इस तरह के आयोजन से समाज में एकजुटता आती है, साथ ही समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं दयाराम जी भाटी, भूतपूर्व जनपद सदस्य हरदा ने कहा कि आयोजन समाज के विकास और उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह के आयोजन से समाज की एक नई दिशा और दशा तैयार होती है। देखिए, माली समाज के गौरव जितने भी हैं उनको आज माली समाज सम्मानित कर रहा है, खुशी की बात है। इस प्रकार के व्यक्तित्व जिनने समाज में अपनी मेहनत के दम पे स्थान हासिल किया है, समाज उनका सम्मान करके बाकी को प्रेरणा देने का काम करा रहा है, मैं बधाई देता हूँ उनको। आज का जो कार्यक्रम, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम ऐसे होते रहना चाहिए और आज जो इतना भव्य आयोजन भोपाल राजधानी के अंदर हुआ है, निश्चित ही एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। यहाँ की संस्था, जितने कार्यकारिणी जो पदाधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आगामी युवा पीढ़ी जो है आज, मतलब ऐसा उनको मार्गदर्शन मिलेगा तो युवा पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी, अन्यथा वो भी इस चीज़ों से बहुत लगभग दूर होते जा रहे हैं कि समाज क्या है, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ के, जैसे आज दूर दूर के आए हैं, लगभग 4-6 प्रांत के यहाँ पे समाज के वरिष्ठ लोग आए हैं। तो जो पीढ़ी जो देखेगी, नई पीढ़ी, तो उसको थोड़ा समझेगी, और अगर ऐसे कार्यक्रम नहीं होते रहे तो वो स्वाभाविक बात है उनको भटकना जो है निश्चित तौर से भटकेगी। ऐसे कार्यक्रम समाज में हर क्षेत्र में होते रहना चाहिए, इससे जो नई प्रतिभा है वो बाहर सामने आती है और जो लोग मतलब नए निकल के आए हैं उनको और भी प्रोत्साहन मिलता है कि आगे और भी समाज में, क्षेत्र में या इस इलाके में और भी अच्छी से अच्छी वो उपलब्धियाँ पाएँ और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आज संयुक्त माली समाज का ये प्रोग्राम है जिसमें हमारे समाज की सभी शाखाओं का मिलन हुआ है। लगभग 9 प्रांतों से इस कार्यक्रम में लोग पधारे हैं।
कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में एक बात और जोड़ी जाए कि कार्यक्रम जो भी है वो जब भी सक्सेस होगा जब हम तीन बातों पे ध्यान देंगे, संस्कार, शिक्षा और सनातन, SSOS जहाँ भी होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें परिवार से चलती है, परिवार से ही समाज बनता है और समाज से फिर ये सब लोग बनते हैं जितने भी हैं आज अपन सामाजिक रूप से, जो राजनीति पार्टियाँ हों या वो भी, समाज मजबूत होगा तो ही आपका साथ देंगे। बस मेरा यही कहना है कार्यक्रम ऐसे होते रहना चाहिए और इससे ज्यादा बड़े, ज्यादा विशाल और एकजुटता के साथ होना चाहिए। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।